क्या आप एक सेब के 20,000 रुपए देना चाहोगे जब आप न्यूजीलैंड आ रहे हो और आपको ये खाने को भी नहीं मिलेगा? नहीं ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हे गाइस, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं योर एनजेड फ्रेंड चैनल। तो अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो अगर आपको पता नहीं कि कौन सी चीज़ आप ला सकते हैं कौन सी नहीं, तो आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप कुछ सामान जो यहाँ पे अलाउड नहीं है अगर आप वो लेके आते तो आपको मिनिमम $400 फाइन देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज आ जाती है, एक है आपका कैबिन बैग और एक है आपका लगेज। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कैबिन बैग। तो कैबिन बैग होता क्या है? कैबिन बैग वो है जो आप अपनी थ्रू आउट पूरी जर्नी में आप अपने साथ रख सकते हैं, और जो इसकी वेट लिमिट जर्नली होती है वो है 7 kg। तो कैबिन बैग में जो फर्स्ट चीज जो आप नहीं लेके आ सकते हैं वो है एनी शार्प ऑब्जेक्ट, मीन्स आप एक सुई तक अपने साथ कैबिन बैग में नहीं ला सकते हैं। तो जो दूसरी चीज है एनी लिक्विड मोर देन 100 ml, दैट मीन्स आप कोई भी 100 ml का लिक्विड अपने साथ कैबिन बैग में कैरी नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट लेंस का सोल्यूशन हो गया या फिर आपका परफ्यूम हो गया या तो आपकी क्रीम। तो आपकी अगर वो अपने कैबिन बैग में आप रखोगे तो वो वहाँ पे आपका एयरपोर्ट में ही आपको वो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो तीसरी चीज़ है वो है आपका कोई भी होम मेड फूड। तो यूजली क्या होता है, जब हम इंडिया से आ रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि हमारा बच्चा कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा। तो वो आपके सामान में बहुत सारा होममेड आइटम रख देते हैं, जैसे कि घी हो गया, अचार हो गया। तो वो आपको मैं बता दूँ कि न्यूजीलैंड में आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, तो यू डोंट नीड टू वरी। तो उसको कैबिन बैग में मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपके वहाँ पे इमिग्रेशन में अगर उसको कहा उन्हें कि ओपन कीजिए तो आपको वहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, और वो हो सकता है कि वो डायरेक्टली ही बिन में फेंक दे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। चौथी चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ना ही आप अपने कैबिन बैग में रख सकते हैं ना ही अपने लगेज बैग में रख सकते हैं, वो है आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अगर बाय चांस आपने इंडिया से न्यूजीलैंड में ये फ्रूट या वेजिटेबल लाने की अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको इसके लिए एट लीस्ट या मिनिमम आपको $400 फाइन देना पड़ सकता है, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये। तो आपको एक सेब या आपको एक कोई भी वेजिटेबल न्यूजीलैंड में लेके आना बहुत महंगा पड़ सकता है, ये गलती बिल्कुल मत करना। और ना ही वो आपको यहाँ न्यूजीलैंड में लाने देंगे, वो वहीं पे आपका एयरपोर्ट में उसको डस्टबिन में डाल देंगे। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका हनी। न्यूजीलैंड का हनी आप सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, और न्यूजीलैंड नहीं चाहता कि न्यूजीलैंड का हनी किसी और हनी के से मिक्स हो। सो ड्यू टू बायो सिक्योरिटी रीजन न्यूजीलैंड में आप हनी भी नहीं ला सकते। तो जैसे कि हम बायो सिक्योरिटी की बात कर ही रहे हैं, तो आपको ये भी मैं बता दूं कि आप कोई भी सीड्स न्यूजीलैंड में नहीं ला सकते हैं, वो भी आपको अलाउड नहीं है। अगर आपके वो सामान में मिलता है और अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ सकता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके डर्टी शूज़ की। उसका क्या मतलब है कि अगर आपने शूज़ जो है सपोज आपने अपनी होम कंट्री में ट्रैकिंग के लिए यूज़ किए या उसमें बहुत डस्ट है, तो वो भी आप न्यूजीलैंड में नहीं ला सकते। तो मेक श्योर या तो आप नए शूज़ लेके आइए या तो जो आपके पुराने शूज़ हैं उनको प्रॉपर क्लीन कीजिए, नहीं तो वो भी आपको एयरपोर्ट में ही फेंकने पड़ेंगे। तो अगली चीज़ है वो ना कोई खाने से रिलेटेड खाने पीने की चीज़ है ना कोई लगाने की चीज़ है, वो है आपके आते हैं बर्तन। तो यूजली क्या होता है कि इंडिया में अब बड़ा ट्रेडिशन है कि आप इंडक्शन यूज़ करते हैं, तो आप वो बर्तन यहाँ पे न्यूजीलैंड में लाने की गलती मत करना, बिकॉज यहाँ पे किचन में आपके गैस का अलग सिस्टम है तो हो सकता है कि वो यहाँ पे चले ना। तो यहाँ पे भी आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं आपके यूटेंसिल्स, तो उसको भी आप लाने की मतलब वो आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि आपको यहाँ पे लाना वो वर्थ इट नहीं रहेगा। तो जब आप न्यूजीलैंड एयरपोर्ट में पहुंचेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म आपको वो देते हैं डेक्लारेशन फॉर्म, उसमें आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ता है कि आप अपनी होम कंट्री से न्यूजीलैंड में क्या लेके आ रहे हो। सपोज उसमें मेडिकेशंस का एक कॉलम होता है, आप कितना कैश लेके आ रहे हो, कितने वैल्यूएबल आइटम्स लेके आ रहे हो, हर्ब्स या खाने पीने की कुछ भी चीज़, तो उसमें आप प्रॉपर
उसमें डिक्लेयर कीजिएगा। मेक श्योर आप उसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा, बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आपके एयरपोर्ट में अगर ऑफिसर ने आपका बैग खोल दिया और अगर वो चीज़ें मिल गई जो आपने डिक्लेयर नहीं की है, तो ट्रस्ट मी आप उसमें ट्रबल में आ सकते हैं। तो मेक श्योर आप कुछ भी प्रॉपर उसमें डिक्लेयर कीजिए जो भी आप चीज़ें लेके आए हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है दालें। जी हाँ, आप न्यूजीलैंड में दालें नहीं लेके आ सकते, जैसे कि राजमा, चना दाल। तो वो ड्यू टू बाय सिक्योरिटी रीजन आप न्यूजीलैंड में वो दालें लाना भी सख्त मना है, अगर आप उस चीज़ को डिक्लेयर नहीं करते हैं। और बाय चांस अगर आपके वहाँ पे चेक हो जाता है कि भाई आप दाल लेके आ रहे हो, तो भी आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो मेक श्योर ये चीज़ें आप सारी डिक्लेयर कीजिए डिक्लेरेशन फॉर्म में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ये लेके भी आते हैं तो वो ऑफिसर आपको बड़े प्यार से कहते हैं कि भाई आप ये लेके आए हो, ये चीज़ें अलाउड नहीं है, तो वो आपके फेंक देंगे, आप उसको नहीं ला सकते न्यूजीलैंड में। बट प्लीज़ मेक श्योर अगर बाई चांस आप पैक कर रहे हो सामान, तो प्लीज़ ये चीज़ें मत लेके आइए। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। इसके आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपका है बोनस। तो मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ें आप न्यूजीलैंड में ला सकते हैं, यहाँ पे लाना ये अलाउड मतलब ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है, बट ये वर्थ इट भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी होम कंट्री से सोच रहे हैं कि यार मैं फॉरन जा रहा हूँ तो मैं नया फ़ोन ले लूँ या नया गैजेट ले लूँ, और बाई चांस अगर वो यहाँ पे ख़राब होता है, तो यहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो मेक श्योर कि मतलब आप उस पर ज़्यादा स्पेंड ना कीजिएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी आप चीज़ें ले सकते हैं और वो वीकली पेमेंट होता है, तो ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इजी एज कम्पेयर टू रिपेयरिंग। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अननेसेसरी फूड आइटम्स। तो यूजली क्या होता है ना कि जैसे हमें लगता है कि यार हमें 23 केजी अलाउड है या 30 केजी अलाउड है, तो हम क्या करते हैं बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं कि चल ये भी ले जाएं ये भी। पर मैं बता दूं कि न्यूजीलैंड में बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के यहाँ पे लोग हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, चाहे वो आपका इंडिया के मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, चाहे बिस्किट हो, चाहे आपकी दालें हो, मतलब सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो आपको या आपके पेरेंट्स को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई न्यूजीलैंड में मिलेगा नहीं तो हमारा बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा। तो अननेसेसरी फूड आइटम लाना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आई होप गाइज आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट, एंड कीप वॉचिंग योर एंटरटेनमेंट चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।